और एक शिकारी के बाण से आहत होकर उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन आखिर कौन से थे वो खास श्राप जिनके प्रभाव से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? पहला श्राप भगवान श्री हरि विष्णु को तब मिला जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य तीर्थ करने पाताल लोक के बाहर गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से सब असुर आहत हो गए और बचते बचाते शुक्राचार्य की माँ काव्य माता की शरण में पहुंचे। काव्य माता ने देवताओं पर एक ऐसा मंत्र फूका जिससे वो बेसुध हो गए, तब तक जब तक शुक्राचार्य वापस नहीं आ जाते। जब भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का वध कर दिया और मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया और युद्ध में देवताओं की विजय हुई। जब शुक्राचार्य वापस आए और उन्हें अपनी माता की मृत्यु और असुरों की पराजय का पता चला तो उन्हें बेहद क्रोध आया। एक स्त्री का वध करके श्री विष्णु ने जो अपराध किया उसके लिए शुक्राचार्य ने उन्हें धरती लोक पर जन्म लेकर मृत्यु का अनुभव करने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण रूप में भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ा और उनकी मृत्यु स्वयं एक बहिलिया के हाथों हुई। दूसरा श्राप उन्हें कौरवों की माता गांधारी से मिला। दरअसल गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में हुए विध्वंसक का उत्तरदायी माना और श्री कृष्ण ने सब तरह से सक्षम होते हुए भी अन्याय होने दिया। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका पूरा कुल एक दूसरे को मारकर समाप्त कर देगा और स्वयं श्री कृष्ण एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाएंगे। ये वो खास श्राप था जिसने पूरे के पूरे यादव कुल का विनाश कर दिया था। तीसरा श्राप भगवान श्री कृष्ण को नहीं बल्कि स्वयं उनके पुत्र सांब को मिला था, वो भी ऋषियों के द्वारा। सांब की उद्दंडता से दुखी ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि लोहे के जिस शस्त्र को वो अपने पेट पर बांधे प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके कुल के नाश का कारण बनेगा। सांब ने महाराजा उग्रसेन के कहने पर पूरे लोहे का धूल बना दिया और उसे पूरा का पूरा समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र में एक मछली ने वो पूरी की पूरी धूल को निगल लिया और उसके पेट में ही एक खास प्रकार का धातु बन गया जिससे एक बाण का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि एक बाण स्वयं एक शिकारी को प्राप्त हुआ जब उसने मछली का शिकार किया और वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली था जिसे भगवान श्री राम ने पिछले जन्म में छुप कर मारा था। इस जन्म में शिकारी बनकर उन्होंने उसी बाण से श्री कृष्ण के कदमों की आहट को जानवर की आवाज समझकर निशाना लगा दिया और उनके पैरों पर वो खास तीर आके लगा। तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि उनका इस युग में अब कार्य खत्म हो चुका है और उन्होंने अपने लोक वापस जाने का निश्चय किया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की